जरा से दिन लग रहा है कि पटना के रहने वाले मैं आपको सेटिंग कर देता हूं मगर मोड़ के बाकी सारे पार्ट दोस्त खत्म है देखिए इधर थाना सूरजपुर क्षेत्र के खासकर सेक्टर 144 में कुछ दिनों से शिकायत मिली थी कि कार का शीशा तोड़ करके उसमें से लैपटॉप और अन्य जो सामग्री रहती थी अंदर उसकी चोरी कर ली जा रही थी। इसी पे इंस्पेक्टर सूरजपुर और चौकी इंचार्ज 144 ने सघन मेहनत किया और मेहनत के बाद इन लोगों को एक गैंग का पता चला जिसमें से एक अपराधी अभी गिरफ्तार हुआ है। ये लोग जो गुलेल होता है गुलेल एक तरह से देहात में बच्चे उसका प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को तोड़ने में उस तरह का गुलेल छोटा सा बना के और उस गुलेल के में साइकिल में प्रयुक्त होने वाली गोली को यूज़ करके दूर से कार के शीशे को तोड़ देते थे और तोड़ने के बाद उसमें से जो भी सामान होता था उसको निकाल के लेके चले जाते थे। तो इस गैंग का हम लोगों ने अभी वर्कआउट किया है इसको, इसमें एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, इसके ऊपर लगभग 10 मुकदमे हैं। हालाँकि इसने स्वीकार किया है कि ये कम से कम दर्जनों केस तो इसने नोएडा में किए हैं और उसी तरह से इसने दिल्ली में भी ये दो चार ठिकानों पर इस तरह का अपराध करता था और यहाँ से ये जो लैपटॉप वगैरह टाइप की चीज़ लेके जाते थे ये नेहरू प्लेस दिल्ली में उसको सेल आउट करते थे। तो इस प्रकार ये गैंग है, इनका मोडस ऑपरेंडी ये गुलेल से तोड़ करके शीशा उसके बाद सामान चुराने वाला है और इसमें हम लोग बाकी जो इनके नाम दिए हैं जो नाम इनसे पता चला है उसको उसके पीछे हमने टीम लगाई है और साथ ही साथ जहाँ जहाँ स्टूडेंट प्रॉपर्टी को खरीदने वाले लोग हैं वो भी हमारे निशाने पे हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्दी राउंड अप करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा शातिर गैंग था और इसके अरेस्टिंग के बाद से इन इस तरह के अपराध पर रोकथाम। सर किस किस तरह के सामान को चोरी करता था और कहाँ पर बेचता था और कितने रुपये में बेचता था? जैसे कि मैंने बताया आपको कि लैपटॉप मुख्य रूप से लैपटॉप और बाकी जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कार में मिल जाते थे उसको ले जाते थे। उसके अतिरिक्त ये लोग सामान जो भी सामान पड़ा हुआ है कार में उसको लेके चले जाते थे। इनका टारगेट जनरली होता था जो गाड़ियाँ किसी भी सोसाइटी में बाहर खड़ी हैं जो थोड़ा सा अनअटेंडेड लग रही हों, ये रेकी भी करते थे ऐसे जगहों से जहाँ बड़ी सुगमता के साथ अपना अपराध कर सकें वैसी जगहों को टारगेट बनाते थे। और चोरी हुए प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी को ये दिल्ली में बेचते थे और लैपटॉप इनका 4 से 5 हज़ार रुपये में बिकता था। इसमें मिडिल मैन भी हुआ करते थे, जैसे ये लेके जब चोरी करके लेके जाते थे वहाँ पे तो वहाँ पे कोई एक आदमी था जो सामान इनका खरीद लेता था और इनको पैसे देता था, फिर वो उसको बाकी ग्रे मार्केट में और वो जो इस तरह के काम करने वाले लोग थे उनसे वो अपना डील। सर किस किस क्षेत्र में एक अपराध कारित करते थे? मैंने बताया आपको कि दिल्ली यहाँ पे नोएडा में इधर हमारा जो नोएडा एक्सटेंशन का एरिया है वहाँ भी इन लोगों ने कुछ किया है, हमारा जो वहाँ सेक्टर 144 जो सूरजपुर का पार्ट है उधर भी किया है इन लोगों ने और 144 के आसपास के सारे एरियाज़ में किया है, जो बिजनेस पार्क आईटी पार्क्स हैं वहाँ पे किया है। और उसके अतिरिक्त दिल्ली में ये इन्होंने बताया कि 3-4 इनके ठिकाने थे नराना विहार वगैरह में, तो इन सभी जगहों पे इन्होंने। सर इसके गैंग में कौन कौन है और क्या क्या बरामद की हुई है? अभी एक आदमी है इसके कब्जे से एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक गुलेल इस गुलेल से शीशे तोड़ता था वो बरामद हुआ है, उसकी गोली बरामद हुई है, कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इसके गैंग में लगभग 4-5 लोगों का अभी पता चला है, लेकिन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें जो मिडिल मैन हैं जो खरीदने वाले हैं उन सबको राउंड अप करेंगे तो ये संख्या कहीं और ज़्यादा होगी।